अगर आप नए इमेजिनेशन पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि न्यू वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। लाइक भी कीजिएगा। सो ये जैसे एंकर थ्रेड है इस तरीके से ही होते हैं। इसको ध्यान से खोलना। इस पूरे को मैंने खोल लिया है और लास्ट में गांठ लगा ली है इस तरीके से। ऐसे हम एक साइड से पकड़ के इसको पूरा रोल कर देंगे इसके अंदर करके, जैसे भरते हैं ना बोबिन, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस पर, ऐसे रोल कर देंगे। ऐसे मैं पूरा रोल करके आती हूँ, जितना भरता है उतना ही भर लेंगे और कट कर लेंगे। ये तो एक तरीका है, जितना मोटा था उतना ही हमने ले लिया। ये मैंने दूसरे टाइप की बनाई है, इसके अंदर ये वाला जो थ्रेड है इसके अंदर बहुत सारे धागे होते हैं ऐसे, तो मैंने इसको आराम आराम से खोल के सिर्फ तीन, इसके अंदर टोटल छः धागे होते हैं, इसमें से सिर्फ तीन धागे ऐसे करके एक दो तीन इनको भरा है, बस तीन तीन धागों को भरा है। ये पतली वाली है, अगर आपको पतली चाहिए तो इस तरीके से दो धागे या तीन धागे इसमें भर सकते हो ऐसे, और फुल भरनी है सारी मोटी की मोटी तो ऐसे भर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। ये मैं दो भर के दिखाई हूँ और दोनों चला के दिखाती हूँ। ऊपर मैंने सिंपल धागा भरा है, यही वाला सिंपल ही डाला है यहाँ पर। नीचे ये बॉबिन में से ये निकाल के सो ऐसे बॉबिन लेंगे सिंपल, इसमें और कुछ भी नहीं करना, ना ढीला करना ना टाइट। ये लेंगे इसके अंदर ऐसे, दिखा देती हूँ मैं, ये इसके अंदर जो कट है इसमें ऐसे डालेंगे, इसके अंदर ये जो कट है इसके अंदर से जैसे नॉर्मल धागे डालते हैं ना, ऐसे ही डाल दिया सिंपल, और ये ऐसे करके बाहर आ जाएगा। इसको इसमें डाल रही हूँ। अब हम कपड़ा लेंगे, जैसे ये कपड़े की सही साइड है, सही साइड पर थ्रेड चाहिए तो हमें गलत साइड पे लगाना है। आप ऐसे अस्तर लगाया है तो ऐसे भी चल सकते हैं, और सिंपल अगर कॉटन का कपड़ा है तो और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप सिलाई कर सकते हो। और अगर बहुत ही पतला कपड़ा है या इस तरीके का कपड़ा है तो इसको सपोर्ट की ज़रूरत है, या तो इसमें अस्तर लगा लो या फिर आप पेपर वाली जो बुकरम होती है वो रख सकते हो, वो भी नहीं तो आप न्यूज़पेपर रख सकते हो। तो अभी हम ऐसे ले लेंगे, जैसा डिज़ाइन बनाना है वैसे निशान लगा लेंगे पहले कपड़े के ऊपर। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए हमें तिरछी लाइनें चाहिए तो पहले ड्रॉ कर लेंगे कि इसी के ऊपर चलना है, ये गलत साइड है कपड़े की। पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हो ऐसे, हम इतना चल के आते हैं। अब इसको जैसे चलाना है इस तरीके से दोनों साइड पे आपको हाथ रखना पड़ेगा, इस साइड भी और इसके आगे वाली साइड पे भी, ताकि ये सफाई से आए। ठीक है, इस तरीके से हम सफाई से इसको लेकर आएंगे और पूरा लास्ट तक जैसे जैसे आपने निशान लगाया होगा वैसे वैसे डिज़ाइन बना सकते हो। गोल लेना है तो गोल वाली साइड पे, और आपको सीधी सीधी लाइन बनानी है तो सीधी सीधी, जैसे जैसे मशीन चलानी है। सिंपल आपने एक तरीके से कढ़ाई कर रहे हो और सिंपल सीधी सीधी ही मशीन चलानी है, कोई इसमें चेंज नहीं करना, बॉबिन को लूज़ भी नहीं करना, बिल्कुल ध्यान रहे बॉबिन जैसी है वैसी ही रहेगी। और यहाँ पे ऐसे ऐसे जैसे आप चाहते हो सिलाई लगाते रहो। ऊपर तो मेरा सिंपल वाइट कलर का धागा है इसलिए इधर से नहीं दिखाई देगा, पीछे मैंने लाल लगाया है वहाँ से दिखाई दे जाएगा। ये मैं आपको सिखाने के लिए कर रही हूँ एक्स्ट्रा कपड़े पे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसको कैसे चलाना है। फिर मैं ऐसे तीन चार लाइन्स मैंने ऐसे लगा ली हैं, और दोनों साइड से ऐसे चलाओगे तो ज़्यादा अच्छे से स्मूथ चलेगा। और कई बार अगर आप सिर्फ एक ही साइड से पकड़ते हो या फिर छोड़ देते हो बीच में तो यहाँ पे कपड़े में झोल आ जाते हैं, वो झोल ना आए इसलिए दोनों साइड से ही आपको ऐसे पकड़ना चाहिए, जिससे कि आपकी जो सिलाई होती है उसमें सफाई आती है। तो ये एक मेरी तरफ से ट्रिक है कि आप दोनों साइड से पकड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारी जो छोटी वाली मशीन है उनमें इस तरीके से चलता है, बहुत आसान है। अब ऐसे काट लेंगे तो हमारा ये देखेंगे इस तरीके से बन गई है लाइंस। ठीक है, तो मैंने आपको लाइंस बना के दिखा दी है। अगर आप इसको सीधा सीधा बिल्कुल आराम आराम से करोगे तो ये बिल्कुल सीधी सीधी लाइंस आएंगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं आएंगी मेरी तरह। मेरे को थोड़ा सा फास्ट फास्ट करा था मैंने, इसलिए टेढ़ी मेढ़ी आई थी। अपनी बॉबिन में कोई चेंज नहीं करने, बस इसको इसके अंदर डालना है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, और सिंपली आपका हो जाएगा। और मैं आपको एक नेक डिज़ाइन बना दिखा देती हूँ कि कैसा मैंने बनाया था, उसमें स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन से लगाई थी और वो मैंने बहुत ही प्यारा बनाया था।
फ्रेंड्स ये वाला नेक डिज़ाइन है जो मैंने बनाया था बहुत साल हो गया, तब मैं स्कूल या कॉलेज में थी शायद, तब से ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है और मैंने तब बनाया था ये वाला। आप भी देख सकते हो, आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको हेल्प हुई होगी कि अब आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। जस्ट आपको तरीका नहीं समझ में आया था, वो तरीका मैंने समझा दिया है। जैसे आपने लाइनें खींचनी है वैसे खींचो, बहुत ही प्यारा लगेगा एंड एंकर का थ्रेड इसमें लगता है। थैंक यू। ऐसे निकाल लेंगे तो बस ये आपका बाहर भी आ जाएगा।